दोस्तों, जिंदगी की आखिरी सच्चाई मौत है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन दोस्तों, मौत के बाद क्या होता है आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म। आखिरकार दोस्तों, पुनर्जन्म की घटनाएं कितनी सच है और ये हमारे वास्तविक जीवन से कैसे संबंधित है, अभी इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर पुनर्जन्म की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना है मध्य प्रदेश के छत्रपुर जिले की, जहां स्वर्णमाला नाम की एक लड़की अपने को बचपन से ही बताती थी कि उसका असली घर कटनी जिले में है और उसके दो बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वालों ने स्वर्णमाला को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णमाला ने अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने वहाँ दूसरे लोगों, दूसरे जगहों, चीजों को भी पहचान लिया। बाद में छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले विंध्या देवी नाम की महिला की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। स्वर्णमाला ने यह भी बताया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन हुए। विंध्या देवी के घर वालों ने भी स्वर्णमाला को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो विंध्या देवी को दिया करते थे। दोस्तों, आज विज्ञान भले ही कितना आगे निकल गया हो, पर कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं जहां भी विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। खैर दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।